मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैसन। आज मैं जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है सनफ्लावर, जिसको हम हिंदी में सूरजमुखी कहते हैं, सूरजमुखी का फूल, और बंगला में इसको कहते हैं सूरजमुखी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फ्लावर है सूरजमुखी, इसका साइंटिफिक नेम है हेलियंथस एनस। ये एस्ट्रेसी ग्रुप का फैमिली का प्लांट है। तो हेलियंथस का ग्रीक वर्ड हेलियंथस हेलियोस से आया है। हेलियोस का मतलब हुआ सन और एंथस मीन्स फ्लावर, मतलब कि सूरज का मुखी का फ्लावर। जिस तरह सूरज का रोशनी जाएगी उधर उधर ये मुंह फेर के जाएगा। तो ये जो मैं फ्लावर दिखाने जा रहा हूँ आपको सूरजमुखी का, ये मिनी सनफ्लावर है। और भी मैं काफी सारे पौधे हैं जो कि आपको लार्ज सनफ्लावर कहते हैं, जो हम लगाते हैं। कुछ तो पौधे हम लगाते हैं इसका सीड के ऑयल के लिए, कुछ फीड्स के लिए, कुछ हम पंछी के फीड के लिए खिलाते हैं, और कुछ हम गार्डन में लगाते हैं। मिनी सनफ्लावर जिसमें हम आज के दिखाने जा रहा हूँ मैं, वो है मिनी सनफ्लावर। ये मैं पूरा क्यारी बना के रखा हूँ पूरा सनफ्लावर का, और ये डिटेल्स में दिखाता हूँ कैसे इसकी करेंगे, कैसे इसका पौधा लगाएंगे, कैसे इसके सीडलिंग करेंगे, फिर कैसे इसका करेंगे। इसका सीडलिंग करेंगे आप फरवरी महीने में। सीडलिंग करने के बाद मार्च महीने में जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तब इसका आप गार्डन में लगा दीजिए, और मई महीने में इसका फूल खिलना शुरू हो जाएगा। सितंबर तक आपका पूरा पौधा भरा रहेगा फूलों से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपकी ये सीडलिंग कैसे करते हैं, और इसके बाद में मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे पौधे लगाए हुए हैं, और उसके बाद में आपको दिखाऊंगा इसके बारे में और भी थोड़े कुछ। चलिए तो दोस्तों, ये जो आपका सनफ्लावर मिनी है उसका सीडलिंग अगर करना है तो आपको फरवरी महीने में ये सीडलिंग करनी पड़ेगी। सीडलिंग के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है चारी में, आपको 25% गोबर का खाद, 25% कोकोपीट, 25% भर्मी कंपोस्ट और 25% गार्डन की मिट्टी, ये चारों समान तौर पर मिला के ये एक चारी में आप इसको भर लें। भरने के बाद आप इसमें पानी डाल दें ताकि ये पानी इसमें सोख जाए, पूरा भीग जाए पूरा। पानी भीगने के बाद जब आपका ये पानी सोख जाए, पानी जब नीचे चला जाए, तब आपको इसके सीडलिंग करेंगे। चलिए मैं आपको सीड दिखाता हूँ कि किस तरह की सीड होती है। तो मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, बहुत तरह के करीब 70 प्रजाति की ये पाई जाती है सनफ्लावर। तो ये तो है बिग वैरायटी के जो है, डबल वैरायटी के जो है, और ये जो है सनफ्लावर ड्वार्फ है। हम जो लगाएंगे ये है सनफ्लावर मिनी। इसके सीड देखिए करीब 5 मिलीमीटर बड़े होते हैं, और ये करीब 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर थोड़ी ज्यादा होते हैं। ये जो सनफ्लावर मिनी है ये मैं लगाने जा रहा हूँ। ये सनफ्लावर मिनी के साइज है, सीड के साइज काफी छोटे होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये काफी छोटे होते हैं, और ये सीड में लगाने जा रहा हूँ ये सनफ्लावर मिनी के। तो दूसरे जो सनफ्लावर वैरायटी है उससे काफी छोटे, करीब 1/2 सेंटीमीटर के होते हैं। अब मैं आपको लगाता हूँ इसको, इवनली आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसमें, ये सीड को करेंगे आप फरवरी महीने में, और इसके पौधे हो जाएंगे 10 दिन में इसके पौधे हो जाएंगे, और करीब 15 दिन बाद ये पौधे इतने बड़े हो जाएंगे कि आप छोटे पॉट में डाल के इसको मिट्टी में गार्डन में लगा सके। और आप जब अप्रैल का जब एंड हो जाएगा तो ये फ्लावर इतने बड़े हो जाएंगे कि इसमें फूल आ जाए, तो इसके फूल आ जाएंगे आपके अप्रैल के महीने में। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी आप मिट्टी डाल दें, करीब 1/2 सेंटीमीटर मिट्टी डाल दें। मिट्टी डालने के बाद और आप इसको इसके ऊपर फिर से एक बार पानी स्प्रिंकल कर दें, और ये कोई सेडी जगह, कोई शेड हो, कोई जगह पर छायादार कोई जगह हो वहाँ पर इसको रख दीजिए। करीब 5 दिन बाद इसमें से आपके पौधे निकल जाएंगे पूरे, करीब 5 दिन बाद। और फिर आप करीब ये जब पौधे बड़े हो जाएंगे 3 इंच के करीब हो जाएंगे, 4 पत्ते उसमें निकल जाए, 6 पत्ते उसमें निकल जाए, तब आप इसको पॉट में डाल लें, 2 इंच के पॉट में डाल दें। उसके बाद वो जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो इसको गार्डन में आप लगा सकते हैं। चलिए 10 दिन बाद आपके सीडलिंग ऐसे बनेंगे, ये देखिए, और थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसको पॉटिंग कर लीजिए, और पॉटिंग करने के बाद और थोड़ा बड़ा हो जाए तो ग्राउंड में लगा दीजिए। जो मैं पौधा दिखा रहा हूँ ये सनफ्लावर है, बहुत सुंदर है। ये आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, ये फ्लावर बहुत सुंदर है देखिए। और इसका जो अंदर का जो सेंट्रल पोर्शन है वो थोड़ा सा ग्रीनिश है। तो ये इसके पास वाला जो फ्लावर है ये भी आप देख लीजिए कितना सुंदर दिखता है। और ये ऊपर वाला दिखाता हूँ मैं, और एक सुंदर फ्लावर, ये तो बहुत ही सुंदर दिखता है। ग्रीन इसका अंतर है, और इसका बाहर के जो है पेटल्स जो है फ्लावर के दल जो है बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक तो कीड़ा भी इसमें खेल रहा है। और इसको मैं बताता हूँ, ये बॉटनिकली एक इन्फ्लोरेसेंस है,
मतलब क्या, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फूल हैं, उसको मिला के ये पुष्प मंजरी यानी कि इन्फ्लोरेसेंस बना हुआ है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे हैं, इसके अंदर जो देख रहे हैं, इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बहुत सारे सीड्स बनती हैं और पंछियाँ और कीड़े उसमें आते हैं मधु लेने के लिए, और फिर इसमें फर्टिलाइज होने के बाद उसमें बहुत सारे सीड बनते हैं और पंछियाँ उसको सीड्स से सीड के खाने के लिए यहाँ पर पंछी आ जाती है। तो मैं दिखाता हूँ, ये बहुत तरह के तीन तीन तरह के हमारे यहाँ सनफ्लावर लगाए हुए हैं मिनी में। ये 5 से 6 फीट हाइट के पौधे हैं सारे, और इसमें सारे फूल खिले हुए हैं। ये तो करीब 6 से ऊपर ही फुट चला गया है हाइट में, तो ये बहुत सुंदर है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ तीन तरह के सनफ्लावर मिनी हमने लगा रखे हैं, तो तीनों को तीन पौधे से तीन फ्लावर में यहाँ से लाया हूँ। ये देखिए, ये ऐसा है, इसका जो सेंट्रल पोर्शन है, ये सेंट्रल पोर्शन थोड़ा सा काला सा है, और इसके जो ब्रेड्स है, इसके जो फ्लावर के जो पत्तियाँ हैं, ये थोड़ी सी पीली टाइप की है, और बीच वाला देखिए आप, इसकी पीली भी थोड़ा पीली टाइप की, ऑरेंज टाइप की है, लेकिन इसके अंदर वाला है जो ग्रीनिश है, और ये तो देखिए बिल्कुल ये पीला पोर्शन है और ये पीला अंदर वाला बिल्कुल काला है। तो ये तीन वेराइटी के सनफ्लावर मिनी मैंने लगाए हैं आपको, तो ये तीनों आप लगाइए। तीनों का हाइट कोई का 4, कोई का 5, कोई का 6 फीट होता है, और काफी सुंदर लगते हैं। एक एक साथ 30-40 फूल खिलेंगे आपके, पूरे बागान को भर रखेगा आपको। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी चीज़। ये हमारी एक क्यारी है जिसमें ये सनफ्लावर के जो छोटे मिनी वेराइटी है, इसका मैंने एक बेड बना रखा है, पूरा क्यारी बना के, पूरा लंबा करीब 50 फीट का बेड बना रखा है। तो ये देख रहे हैं आप सनफ्लावर, ये जो छोटे छोटे सनफ्लावर है भाई, एक एक में कम से कम भी 20-25 सनफ्लावर लगे हुए हैं, और ये सनफ्लावर नए नए उगते हैं और फिर सूख जाते हैं, फिर और भी जब कलियाँ खिलती है उसमें से फिर सनफ्लावर निकल आते हैं नए नए। बहुत अच्छे, करीब ये 5-6 फीट के हाइट के पौधे हैं, पूरा हमारा लंबा बेड है सनफ्लावर का, तो बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप गर्मी में आपके पास लंबी कोई जगह है तो आप पूरा मिनी सनफ्लावर का बेड बना लें। और दूसरे तो वैरायटी है जो, वो तो खैर ज़्यादा फूल नहीं खिलते उसमें, लेकिन ये जो मिनी है इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो ये अच्छे भी लगेंगे आपके गार्डन में, काफ़ी अच्छे लगेंगे और दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे ये, अगर आप लगा लें तो बहुत अच्छा रहेगा ये मिनी सनफ्लावर वाला प्रोग्राम। दिख रहे हैं ये कलर है, ये फ्लावर है इसका, बहुत ही अच्छा है। ये एक वैरायटी आप देख रहे हैं, ये भी सनफ्लावर की एक वैरायटी है, तीन मिनी वैरायटी है। तो एक तो पीले में है और एक थोड़ा सा ऑरेंज में है, पीला और ऑरेंज का मिक्स है थोड़ा, और जो तीसरा है वो पीला है और उसका जो सेंटर है वो थोड़ा ग्रीनिश है, और इसका जो सेंटर है ये थोड़ा काला टाइप का है, और इसका जो सेंटर है ये थोड़ा ग्रीनिश टाइप में है। तो ये आप देख रहे हैं इसका, तो थोड़ा फर्क है इसमें, लेकिन है तीनों सनफ्लावर के मिनी वैरायटी। तो ये सनफ्लावर के मिनी वैरायटी आपके बागान के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो गर्मी में फूल लगाएं तो सनफ्लावर ज़रूर लगाएं, और मिनी वैरायटी ज़रूर हो लेकिन। तो दोस्तों, अगर सनफ्लावर के ऊपर, मिनी सनफ्लावर के ऊपर मेरा बनाया हुआ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और किसी दोस्त या रिश्तेदार को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल का ग्रोथ उतना ज़्यादा होता रहेगा। तो सबको धन्यवाद देखने के लिए, और आप खुश रहें और ईश्वर आपको खुशियाँ दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। धन्यवाद।